तो हेलो भाई क्या हाल चाल सत शाब नमस्कार तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कि लाइव स्ट्रीम करने के लिए कौन कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए कि जिससे आपकी जो लाइव स्ट्रीम है वो थोड़ी सी सही दिखे और क्वालिटी भी मेंटेन रहे साथ में थोड़ा प्रोफेशनल भी लगे ठीक है तो जो नए लोग होते हैं बिगनर वो कौन कौन सी गलतियाँ करते हैं वो भी आपको मैं इसमें बताऊँगा और क्या सही तरीका है लाइव स्ट्रीम जाने का वो भी आपको मैं इसके अंदर क्लियर कर दूँगा तो चलिए टाइम वेस्ट ना करते सीधा स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हम चले जाते हैं अपने गूगल अकाउंट में सॉरी गूगल अकाउंट यूट्यूब अकाउंट में तो वहाँ पर अपना यूट्यूब ओपन कर लेते हैं ओके ओपन करने के बाद सीधा यहाँ पर सिंपल सी कुछ नहीं करना सीधा गो लाइव ओके यहाँ तक ठीक है और यहाँ पर इस आपको क्या करना है यूट्यूब के ऊपर सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज़ होती है यहाँ पर करने वाली वो कौन कौन सी है ठीक है इसको कॉपी कर लो आप कोई दिक्कत नहीं है ये कभी भी कर सकते हो यहाँ पर एडिट पे आपने क्लिक करना है और यहाँ पर अच्छे से आपको वो नाम दे देना है टाइटल जो भी गेम की आप लाइव स्ट्रीम करने वाले हो या फिर किसी भी चीज़ की कर रहे हो लाइव स्ट्रीम उसका आपको नाम दे देना अच्छे से और साथ में ये वाला लगाने के बाद दो डंडिया पता नहीं क्या बोलते इसको भूल गया मैं तो उसके बाद आप अपना नाम ज़रूर लिखें ठीक है ये हैश की तरह काम का करता है जैसे हैश टैग होता ना वैसा ही ओके इसके बाद आपने क्या करना है यहाँ पर जब नीचे जाओगे तो यहाँ पर आपको गेमिंग सिलेक्ट कर लेना है यहाँ पर ठीक है बहुत सारी चीज़ें तो गेमिंग आपने कर लेना है ओके यहाँ पर आपको नाम लिखना है जौन सी गेम की आप गे स्टीम करना चाहते हो जिस भी गेम की बहुत सारी गेम है प्रो। हर एक गेम का इधर आ जाता है जैसे डिसाइड में करने वाला हूँ तो डिसेंट की आ गई ओके और हिटमैन मैन की अभी मैं करूँगा थोड़े टाइम बाद तो हिटमैन की डालोगे हर एक हर एक गेम की यहाँ पर आ जाएगी ठीक है अगर आप सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगा ओके तो यहाँ से आपने सेलेक्ट कर लेना है यहाँ से व्यूज़ का बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है भाई अगर आप ये चीज़ें करते हो ना आपके व्यूज़ भी जाते हैं या लाइफ स्ट्रीम में ज़्यादा आते हैं ठीक है तो यहाँ पर तीसरी चीज़ क्या करनी है आपने यहाँ से एक थमलेन बना लेना है अच्छा सा जैसे यहाँ पर चेंज थम जाओगे ना तो यहाँ से कोई थमलैन सेलेक्ट कर लेना जैसे मैंने ये बनाया हुआ है तो मैं ये क्या करता हूँ मैं चेंज करता रहता हूँ अभी देखो कि यहाँ पर 44 लिखा है ना जब नेक्स्ट टाइम मैं लाइव स्ट्रीम करूँगा तो यहाँ पर 45 लिख दूंगा कि 45 मतलब कि वीडियोस मेरी डल डल चुकी है अभी लाइव स्ट्रीम के ऊपर ओनली लाइव स्ट्रीम के ऊपर बाकी चीज़ों पर मैं नहीं डालता ये हैश टैग डालता हूं सिर्फ लाइव स्ट्रीम के ऊपर तो आप भी ऐसा कुछ कर सकते हो अलग से पता चल जाए कि नया एपिसोड है कैसा भी करके ठीक है ओके इसके बाद आपने क्या करना इंपॉर्टेंट चीज़ जो है सिलेक्ट कर लेना है इधर इसके बाद आपको जाना है यहाँ पर सर्च करना है यूट्यूब टैग यूट्यूब टैग में जाना है फर्स्ट वाले पे क्लिक कर देना यहाँ पर जिस भी गेम की आप लाइव स्ट्रीम करना चाहते हो उसका नाम डाल देते हैं जैसे पबजी की ज्यादातर करते हैं लोग तो बाकी भी बहुत सारी गेम आ गई हैं भाई अभी तो जब से पबजी बयान का सीन हुआ है ना बाकी गेम बहुत सारे लोग खेलने लगे तो यहाँ पर डाल देना आपने पबजी थोड़ा वेट लेगा ओके ओके तो ये रिजल्ट आ गए भाई पबजी डालने के बाद पबजी लाइव भी डाल सकते हो पबजी भी डाल सकते हो यह पबजी लाइव दे लो सबसे ज्यादा सर्च करने वाली चीज है वो आ गया सबसे ऊपर आपने जाना है कीवर्ड दिख रहा है कीवर्ड यहाँ पर आपने क्लिक कर देना है और यहाँ से कॉपी 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 टू क्लिप बोर्ड यहाँ पर चले जाना है ओके और यहाँ पर आपने क्या करना है ये पहले आपने डाल लेना है डिस्क्रिप्शन के अंदर ये चीज़ें डाल लेनी है आपने पबजी का एड डाल सकते हो साथ में डिस्कॉर्ड का लिंक दे दो और सोशल मीडिया का लिंक दे सकते हो आप जो भी आप यूज़ करते हो इंस्टाग्राम जो भी उसके देने के बाद यार जैसे अभी कर दिया ना मैंने ये देखो आपने यहाँ पर अभी पहले से मैंने डाला हुआ है इसको मैं हटा देता हूँ ठीक है यहाँ पर आपने करना है ऐसे होगा आपको यहाँ पर आपने कंट्रोल भी कर देना मतलब कि पेस्ट कर देना ठीक है जो फा, फालतू वाला है लास्ट में वो निकाल देना ऐसे ओके तो ये हो गया आपके टैग क्योंकि भाई इसके अंदर आप टैग नहीं यूज कर सकते लाइव स्ट्रीम में कोई टैग का ऑप्शन आता नहीं है देख सकते हो लाइव स्ट्रीम पर कोई टैग का ऑप्शन नहीं आता ये टाइप के जो टैग के ऑप्शन है ना तभी शो करेंगे जब आपकी लाइव स्ट्रीम अपलोड हो जाएगी यूट्यूब के ऊपर ठीक है तब शो करेंगे तो पहले हम इसका यूज़ करके व्यूज़ लेंगे ठीक है इसका यूज़ करने से व्यूज़ भी आपको ज़्यादा मिलते हैं ये आपको बता देता हूँ लाइव स्ट्रीम पर अलग अलग चैनल से लोग आते हैं भाई मेरे या मेरे साथ हुआ ऐसा जब से मैंने करना स्टार्ट किया है ना तो मेरे ना नए नए व्यूवर आ रहे हैं और मेरे सब्सक्राइबर भी धीरे धीरे इंक्रीज़ हो रहे हैं ठीक है ये चीज़ करके आपने इसको सेव कर देना है यहाँ से आपने स्टीम की कॉपी कर लेनी है पहले भी करी है मैंने तो कर सकते हो दोबारा से क्योंकि तो मैंने उधर से वो कॉपी किया था पहले हैश टैग इसी तो आपने अपना फिर लाइव वाला कोई भी ओपन कर लेना जिससे भी आप करते हो स्टीम लैब से करता हूँ मैं तो वो ओपन कर लेते हैं इसमें भी बहुत इंपॉर्टेंट सेटिंग आपको बताऊँगा मैं बहुत ज़रूरी है ठीक है आपकी क्वालिटी को मेनटेन करने के लिए क्वालिटी ब्रो आप ये चीज़ मानते हैं कि भाई क्वालिटी आपकी आती है अपना आपकी इंटरनेट की स्पीड से लेकिन आपकी जो सेटिंग है वो भी बहुत ज़्यादा मायने रखती है ठीक है आपने सेटिंग के अंदर जाना है ठीक है स्टीम में जाना है और यहाँ पर अपनी वो स्टीम की पेस्ट कर देना है कंट्रोल वी से होगी भाई राइट क्लिक काम नहीं करेगा इधर डन कर सकते हो पहले भी कर सकते हो बाद में भी कोई दिक्कत नहीं है आउटपुट में जब जाओगे ना तो यहाँ पर ये देखो मैंने नाउ नाइन थाउजेंड लिखा हुआ है ना रेट नाइन थाउजेंड बिट्रेड ये मैंने क्यों लिखा है इतना इसका आपको मैं अभी रीज़न बताता हूँ गूगल में जाना है आपने यहाँ पर सर्च करना है स्पीड टेस्ट रन स्पीड टेस्ट ये मेरी अपलोड की स्पीड आ रही है सॉरी डाउनलोड की अपलोड की दोबारा बताएगा हो जा भाई टाइम क्यों ले रहा है इतना अभी थोड़ी कम हो गई है पता नहीं क्या शाम को मेरी सही आती है ब्रो सुबह के वक्त थोड़ी दिक्कत आती है वैसे अभी शाम हुई नहीं पूरी मेरी आठ सात आठ बजे तक मेरा सही हो जाता है फिफ्टीन आती है मेरी पहले ही मैंने ये वीडियो बनाई थी उसमें देख लेना तो ये चीज़ कस जितनी भी आपकी स्पीड आ रही है ना इसको आपने क्या करना है उसका सेवेंटी परसेंट वहाँ पर रखना है अगर मैं अभी लाइव स्ट्रीम करना चाहूँ ना अभी तो इंटरनेट की स्पीड से स्पीड के हिसाब से अभी मेरे दस एम की स्पीड आ रही है अपलोड की तो वहाँ पर मैं भाई सेवन थाउजेंड रखूँगा ठीक है मेरी क्वालिटी वहाँ से मेनटेन होगी और वहाँ से वो लैग भी नहीं करेगा ठीक है लैग का इशू वो फिक्स हो जाएगा स्ट्रीम आपको तो सही दिखेगी इधर सर ज़रा सही चल रहा है लेकिन वीवर को वो लैग दिखता है भाई जब आपका वो पूरा जाता नहीं है डाटा उधर अपलोड होता नहीं है ठीक है सेवेंटी परसेंट इधर रखना है जितना भी आपका उधर आ रहा है सेवन टू एटी रख सकते हो फुल टू फुल रखने की जरूरत नहीं है भाई फिर वो फ्लक्चुएट करते ना थोड़ा डाटा तो फिर दिक्कत आ जाती है ये चीज़ कर सकते हो ठीक है और दूसरी चीज़ क्या है आपने जाना है वीडियोस के अंदर वीडियो वीडियो वीडियोस नहीं वीडियो और यहाँ पर आपने भाई ये नहीं है कि ज़्यादा क्वालिटी टेन ए लाने के लिए अच्छी क्वालिटी लाने के लिए आप यहाँ से बड़ा रेजोलेशन रख लो ना जी ना आपने यहाँ पर वही रेजोलेशन रखना है जो आपकी स्क्रीन का है ठीक है ऑप्शन मेरे पास और भी है लेकिन मैंने वही रेजोलेशन रखना है जो मेरी स्क्रीन का है वो आपको देख सकते हो सेटिंग में जाकर डिस्प्ले सेटिंग में और यहाँ पर चेक कर सकते हो आपका कितना है थर्टीन सिक्सटी सिक्स है ठीक है और यही आपने उधर रखना है जितना इधर है उतना ही उधर रखना है ओके इससे क्या होता है कैप्चर अच्छे तरीके से कर पाता है जो ये सॉफ्टवेयर है ना अच्छे तरीके से कैप्चर कर, पा, कर पाता है आपकी स्क्रीन को और ठीक है बाद में जो रेजोल्यूशन आपका जो वीवर को दिखना चाहिए वो टेन ए टी पी पर सेवन ट्वेंटी पर देखें वो यहाँ से आपने सेलेक्ट कर लेना है ठीक है अभी दोबारा से करूंगा ना अब मान लो कि यहाँ पर कुछ भी नहीं मान लो ये सिलेक्ट कर लिया मैंने ठीक है एक चीज़ बता दो आपको मैं ये कर दिया मैंने अभी मेरे को यहाँ से मैं अगर करना चाहूँ ना टेन ए मेरे को ऑप्शन दिखेगा ही नहीं देख रहे हो ऑप्शन मेरे को दिख ही नहीं रहा है टेन का वो कैसे लेकर आना है पहले जाना है टेनए पे ये नीचे जाना है टेनए कर लेना है और ऊपर बाद में आपने कम कर लेना है इस तरीके से आप इस नीचे टेन कर सकते हो अदरवाइज आपको वो ऑप्शन नहीं दिखेगा ओके यहाँ पर कर कर देना आपने डन सेटिंग में जाते हैं फिर से और जब आप ये पहली बार खोलोगे ना ये वाला सॉफ्टवेयर तो एक चीज़ होगी यहाँ पर आपको ये दिखाएगा देख रहे हो बहुत सारे लोग भाई यही गलती करते हैं सबसे बड़ी गलती यही मानता हूँ मैं भाई इससे नहीं करना है भाई मेरे को तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता ये वाला ये लॉग इन किया हुआ है ना सीधा क्या करते हैं डन कर दिया लाइव कर दिया यहाँ पर आपको ज़्यादा ऑप्शन नहीं मिलते भाई ज़्यादा ऑप्शन नहीं मिलते मैं दिखा भी देता हूँ इधर ठीक है चले गए हम ओके मैंने वो किया हुआ है उधर से तो मैं गो लाइव करता हूँ यहाँ पर मेरे को क्या क्या ऑप्शन मिल रहा है क्रिएटिव इवेंट चलो जो भी ये पता नहीं कैसे टाइटल का है इधर टाइटल डाल सकता हूँ मैं साथ में डिस्क्रिप्शन डाल सकता हूँ और जो मेरा थंबनेल है वो है ही नहीं इधर थंबनेल का ऑप्शन नहीं है ब्रो मेरे पास ठीक है तो ये चीज़ भी होती है और बाकी भी मेरे को वैसे भी अच्छा नहीं लगता ये ये आप ना ही करो आप भी तो सही है ओके तो इसको छोड़ो आपने क्या करना है कस्टमाइज के ऊपर जाना है स्ट्रीम कस्टमाइज ठीक है कस्टमाइज़ के ऊपर जाओगे सही रहेगा अभी भी बता रहा हूँ कंट्रोल वी से पेस्ट होगा राइट क्लिक काम नहीं करेगा आपका यहाँ से डन करके गो लाइव जा सकते हो ठीक है यहाँ पर जो भी आपने करना है स्टार्ट स्ट्रीम ठीक है करके गो लाइव ये ऑफ बंद कर लेना दोनों जब आपका लाइव स्ट्रीम चल जाए उसके बाद ऑफ कर ऑन कर लेना ठीक है तो ये चीज़ है जो ज़्यादातर लोग जानते नहीं थे भाई सच बता रहा हूँ नहीं जानते थे मेरे जो फ्रेंड है वो भी लाइव स्ट्रीम करते हैं वो ऐसे ही करते भाई थमने लगाते नहीं थे बहुत सारे लोग और जो टैग थे वो भी नहीं डालते थे को अलग अलग जगह से लोग सर्च करते ना जब तो आपकी वीडियो रैंक करती है भाई क्योंकि लाइव चल रही होती है लाइव वीडियो ज़्यादा रैंक करती है अगर आपको पता हो तो ठीक है तो ये चीज़ आप कर सकते हो इससे आपका क्या होगा क्वालिटी मेंटेन होगी आपकी बिट रेट से और दूसरी चीज़ है आप प्रोफेशनल लोगों कि अगर आपके पास थमने लगा होगा और तीसरी चीज़ क्या है कई नए लोग आपके साथ जुड़ेंगे अगर आप वहाँ पर टैग यूज़ करते हो तो ये वाली चीज़ तो मैंने आपको तीनों बता दी है ठीक है अगर वीडियो अच्छी लगी तो भाई लाइक ज़रूर करना भाई टू थाउजेंड सब्सक्राइबर का टारगेट है भाई तो कंप्लीट करवा दो भाई अभी पंद्रह सौ वेट दो हज़ार अभी कंप्लीट करने है दो हज़ार कम्प्लीट होने के बाद हम क्या करेंगे कस्टम रूम बनाएंगे और अच्छी खासी यूसी गिवे करेंगे ये नहीं दस बीस यूसी नहीं देंगे अच्छी खासी यूसी देंगे दो टू थाउजेंड होने के बाद ठीक है अगर आपने भी ज्वाइन करना है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और 2000 हज़ार कंप्लीट करवा दो भाई सीधे कैसे भी करके कंप्लीट करवा दो उसके बाद हम करेंगे कस्टम रूम ठीक है तो यूसी के करेंगे अच्छी खासी मज़ा आएगा भाई तो ठीक है आज की वीडियो में इतना ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद वंदे मातरम